So hi everyone, I am Priyanka, finally a BTech student at IIT Mandi, and I have completed my internship at Google last year and will be joining Google in 2 to 3 months as a full-time software engineer. So let's start with my preparation journey. तो मैं उन लोग में से नहीं थी जिन्होंने 11, 12 में कोड किया हुआ था, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत रही। हमारे फर्स्ट ईयर में एक कोर्स होता है पाइथन का, उसमें भी मेरा अच्छा ग्रेड नहीं लगा था, तो उसके बाद तो मुझे हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट अ गुड इंटर्नशिप। उस टाइम मेरा था ही नहीं एम कि गूगल मिलेगा, तो मुझे था कि बस अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए। तो उसके लिए मैंने अपने सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया कि एक लैंग्वेज सीखते हैं, तो सीनियर से पूछ के स्टार्ट किया C++। तो मैंने सब कुछ ना यूट्यूब से ही सीखा है। तो C++ मैंने सीखा था कोड विद हैरी से, 2-3 हफ्ते तक बहुत बेसिक सा लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हुई। उसके बाद फिर DSS स्टार्ट किया अपना कॉलेज से, एंड उस टाइम मैं GFG पे कोड करती थी। तो पहले थोड़ा DSS समझा, फिर कोड स्टार्ट किया GFG पे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी, इजी क्वेश्चन भी नहीं होते थे, ऐसे 2-3 दिन में एक क्वेश्चन बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेशन नहीं आती थी। बट स्टिल मैं कंटिन्यूसली करती थी कि हाँ हर हफ्ते ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर लो ताकि फ्लो बना रहे। तो ऐसे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई एक सेमेस्टर के बाद। तब तक मैंने DSA में ट्रीज से पहले तक के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमारी विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गई, और मंडी में ठंड ज़्यादा होती है तो हमारी लंबी विंटर ब्रेक्स होती है 2 महीने के अराउंड, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो उस टाइम मेरे को करना था ट्रीज के बाद वाले टॉपिक्स। मैंने वापस अपने कॉलेज की प्लेलिस्ट से कंटिन्यू करना चाहा, लेकिन उसमें फिर टीचर बदल गए थे। तो पहले श्रद्धा मैम थी, फिर कोई और सर आ गए, तो उनका ज़्यादा समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने स्विच कर लिया चैनल। तो ट्रीज के बाद के टॉपिक्स मैंने लव बबर से किए। फिर जनवरी के स्टार्टिंग तक मेरा DSA पूरा कंप्लीट हो गया था, मतलब सिलेबस वाइज मेरे को ऐसे सब हो गया था कि हाँ क्वेश्चन कर सकती हूँ, मतलब अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने GFG से लीड कोड पे शिफ्ट कर दिया जनवरी के स्टार्टिंग में। फिर लीड कोड के इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, इजी भी नहीं बनते थे, बहुत टाइम लगा कि खुद से क्वेश्चन बनने लगे। पहले तो सॉल्यूशन देख के ही करते थे, यूट्यूब वीडियो देख ली, एल्गोरिदम समझा, एल्गोरिदम समझने के लिए पूरा ड्राई रन करती थी कोड को, ऐसे नोटबुक पे लिखती थी कि हाँ मेरा वाला सॉल्यूशन क्यों नहीं चल रहा, कहाँ गलती हो गई मुझसे, ऐसे सब करके फिर मेरा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगा। फिर वापस कॉलेज आ गए, कॉलेज आके फिर मैं ऐसे कंटिन्यूसली करती थी कि हाँ दिन में मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं, अगर जैसे नॉर्मल डेज होते थे वीकेंड पे इतने करने हैं, ऐसे मैं गोल बना के चलती थी और फिर करती रहती थी। और वो मेरा 4th सेमेस्टर था जब विंटर ब्रेक के बाद आई थी। उस टाइम तो मैं बस ऐसे करती थी कि क्लासेस जाती थी, कोड करती थी, वॉलीबॉल खेलती थी और वापस कोड करती थी। तो मेरा फ्रेंड सर्कल इतना कम हो गया था क्योंकि हैंगआउट नहीं करती थी मैं, मेरा सारा टाइम ऐसे कोड में जाता था, जैसे जेई टाइम पे सारा टाइम पढ़ने में जाता था ना, वैसे यहाँ पे कोड में जाता था। बहुत ही से कंसिस्टेंटली मेरे को कोड करना था कि हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, एंड यहाँ पे तो 11-12 से कर रहे हैं, मुझे तो एक ही सेमेस्टर हुआ है कोड करते हुए, मेरा तो क्या ही होगा, मेरे को कोई कंपनी ले भी जाए मैं तो CS में हूँ भी नहीं। फिर अप्रैल में ना एक हैकेथॉन था, गर्ल हैकेथॉन, उसमें फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं वैसे तो, लेकिन उस टाइम पार्टिसिपेशन कम था तो फर्स्ट ईयर बॉयज़ को भी अलाउ किया था। तो वो मेरा पहला कोडिंग कॉन्टेस्ट था जिसमें मैंने कोडिंग इवेंट था जिसमें मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं फर्स्ट आई थी, एंड दैट बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस टू नेक्स्ट लेवल की ओके इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है कोडिंग में, टाइमली मैंने कुछ सॉल्व किया, तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम कि हाँ फर्स्ट सेकेंड ईयर, आई मीन फर्स्ट ईयर तो नहीं बट हाँ सेकेंड ईयर की गर्ल्स भी थी उसमें पार्टिसिपेट करी थी, तो आई वाज लाइक ओके मेरे को अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है। फिर वही कोड वापस चालू किया। फिर कुछ टाइम बाद मेरे को पता चला कि कुछ लोगों ने स्टेप इंटर्नशिप में अप्लाई किया था और उनको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं कुछ लड़कियों ने, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे स्टेप इंटर्नशिप क्या होती है वो पता चला था। एंड आई वॉज फीलिंग सो बैड कि मैं सारी अपॉर्चुनिटी मिस कैसे कर देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में WE स्कॉलरशिप था जो फर्स्ट ईयर लड़कियों के लिए होता है, वो भी मैंने अप्लाई नहीं किया था, वो भी मुझे पता नहीं चला टाइमली। फिर ये स्टेप इंटर्नशिप का पता नहीं चला, पता चला तो तब जब लोगों को इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं, एंड आई वॉज फीलिंग कि मैं सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रही हूँ, मैं कहाँ से लगेगी मेरी अच्छी इंटर्नशिप। फिर एज लाइक कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिस नहीं करनी, फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पर जाके सर्च किया कि सेकेंड ईयर गर्ल्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं। फिर जब सर्च किया तब तक ऑलमोस्ट सारी अपॉर्चुनिटी जा ही चुकी थी, 1-2 बजे थी, उनमें अप्लाई किया पर रिज्यूम में कुछ था ही नहीं लिखने लायक, क्या लिखती, तो शॉर्टलिस्ट नहीं हुई। तो फिर हमारी समर ब्रेक शुरू हुई जून में, तो उस टाइम DSA तो पूरा हो गया था,
तो रिवीजन करना था, तो रिवीजन के लिए लव बबर की शीट स्टार्ट की। फिर शीट भी हो गई बाय द एंड ऑफ जून और स्टार्ट ऑफ जुलाई, मेरे 500 क्वेश्चन लीड कोड पे हो गए थे। तो मुझे वो कुछ अचीवमेंट लग नहीं रहा था उस टाइम, मेरे को था कि हाँ क्वेश्चन तो सॉल्व किया, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला नहीं, इट इज़ अ गुड थिंग कि तू लिंक्डइन पे डाल, तो फिर मैंने उनके बोलने पे डाला भी था। फिर उस पोस्ट पे जो लोगों के रिस्पॉन्स आए थे ना, वो देख के मुझे ऐसा थोड़ा यकीन हुआ था कि हाँ कुछ तो बड़ी बात है कि सेकेंड ईयर में ये करना। फिर जुलाई के मिड में गूगल आई ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, हमें एक हफ्ता पहले पता चला था अराउंड, तो एक हफ्ते का टाइम था रिवाइज़ करने के लिए। तो मैंने कैसे रिवाइज़ किया था कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने खुद से सॉल्व नहीं किए थे पहले, जो भी सॉल्यूशन देके सॉल्व किए थे वो मैंने कहीं पे लिख लिए थे, और उस हफ्ते में मैंने वो प्रॉब्लम्स वापस सॉल्व किए। तो मेरा वो डिसेंट गया था, मतलब मेरे को था कि हाँ शॉर्टलिस्ट हो जाना चाहिए इसमें, पर स्टिल दिल में एक डर होता ना जब तक रिजल्ट नहीं आता कि होगा या नहीं होगा, कहीं मेरी सीजी की वजह से मुझे शॉर्टलिस्ट ना करे या कहीं मेरी ब्रांच की वजह से मुझे ना ले, ऐसा सब चलता है ना। उसके एक हफ्ते बाद शायद रिजल्ट आ गया था, उसमें मैं शॉर्टलिस्टेड थी। 21 स्टूडेंट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए, और दो दिन बाद ही इंटरव्यू था, मतलब आज रिजल्ट आया तो परसों इंटरव्यू है। तो हमें था इतना कम टाइम क्यों दिया है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए, पर अभी कुछ बोल थोड़ी सकते हैं। फिर एक ही दिन था, वही सेम रिवाइज़ किया जैसे पहले किया था, और क्या हुआ था कि एक ही दिन था और मैं ट्राई रिवाइज करना भूल गई थी, और जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन सुबह मेरे को सपना आया कि मेरे से इंटरव्यू ने ट्राई का ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया है और मैं नहीं दे पाई, मेरी अपॉर्चुनिटी फिर चली गई। तो सुबह 5 बजे से झटके से उठते ना, वैसे उठ के मैंने ट्राई रिवाइज किया है, मतलब अंधेरा, लाइट भी नहीं जलाई, बस उठी, लैपटॉप उठाया, खोला और ट्राई का एक वो एक घंटे वाला वीडियो देखा, रिवाइज किया। उसके बाद मेरे को शांति हुई कि हाँ ठीक है, अभी ट्राई भी पूछा तो बता दूंगी। अराउंड 12 बजे के आसपास इंटरव्यू खत्म हो गए थे, और फिर उसके बाद तो वैसे पूरा दिन ऐसे टेंशन में थे कि अरे क्या रिजल्ट होगा, बाकी लोगों का भी हो गए थे क्वेश्चन, बाकी लोग का भी सही गया इंटरव्यू, हम 14 लोग बचे थे सेकेंड इंटरव्यू तक, तो 14 में से वो कितने लोग लेंगे। तो मैं पूरा ऐसे PNC बना रही थी कि हाँ पिछले साल 6 लड़कियाँ ली थी, अगर इस बार भी 6 लड़कियाँ लेंगे तो मेरे को ले सकते 6 में, तो मेरा वो दिमाग में चल रहा था सब कुछ। फिर शाम को अराउंड 7 बजे रिजल्ट आया था, जिसमें उन्होंने 8 लोगों को लिया था, पर उसमें से सिर्फ 2 लड़कियाँ थी और 6 लड़के थे, एंड मेरा नाम सबसे टॉप पे था। आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिसको पहली बार गूगल ने लिया था फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज अभी तक। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हुई है पहली बार वो तुमने की है, तो बहुत ऐसे अच्छा प्राउड फील हो रहा था। सो या दैट वॉज माई जर्नी ऑफ गेटिंग एन इंटर्नशिप एट गूगल। आई होप यू लाइक इट, टू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट अ जर्नी ऑफ हाउ आई गेट टू पीपीओ एट गूगल। सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।